11 जून को अगरोला गांव के प्रिंस कंवर नाम का युवक लापता हुआ था। आज पुलिस ने उसकी हत्या का खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, किन कौन लोग गिरफ्तार हुए, हत्या की क्या वजह है? देखिए, ये प्रकरण है जिसमें 12 जून को एक डेड बॉडी मिली थी निवाड़ी थाना क्षेत्र में अबूपुर गांव में। सुबह के समय में जब सूचना पे वहाँ की निवाड़ी पुलिस पहुँची थी और बॉडी आधा से ज़्यादा जल चुकी थी और चेहरा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। उस बॉडी को तत्काल कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसकी तलाश गति जारी कराई गई, तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है प्रिंस तंवर नाम का लड़का है, जो जिसकी उम्र 24 वर्ष है और ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला था और उसकी एक दिन पहले ही वहाँ पे गुमशुदगी ज्ञात हुई थी। तो इस तरह से उसकी पहचान कराई गई। उस घटना के संज्ञान में लेते हुए मर्डर का एक मुकदमा अज्ञात ये लोगों के विरुद्ध जो है छानबीन प्रारंभ की गई। फिर परिवार वालों ने तहरीर दी और उसके पे टोंडा सिटी में मुकदमा लिखा गया। उसी मुकदमे में इस हत्या का अनावरण करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य लोग वांछित भी हैं और ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सुमित और भोला है, वो भी वहीं टोंडा सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ग्राम अगरौला के रहने वाले सभी। एक आशीष तंवर है, एक अंकित तंवर है और 4th शिवा मलिक है, ये बागपत का रहने वाला। तो ये सभी इसमें खास करके सुमित जो है उसकी मृतक से रंजिश थी। 2 साल पहले इन लोग में के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था और सुमित का आपराधिक इतिहास भी है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके अपने अन्य साथियों को इकट्ठा किया और प्रिंस को पार्टी के बहाने बुलाया और पहले से इन्होंने अपनी 2 गाड़ियों में शराब और अन्य पदार्थ भरे हुए थे। फिर इसको ले जाके इन्होंने रास्ते में इसके साथ मारपीट की, गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को छत विछत करने के उद्देश्य से आग जलाकर बॉडी को उसमें डाल दिया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। तो इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए आज अभियुक्त को गिरफ्तारी की गई है, जेल भेजा जा रहा है। 4 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है, 2 अन्य बाल अपचारी भी इसमें वांछित हैं। जल्दी उनकी भी उनके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।